Here you can see data we have successfully entered into recovery mode. After entering into recovery mode, you have to click on the backup, check system image, vendor image, data and boot. Here you have to select 4 items, then you have to swipe to backup or select the storage. Do not backup in internal storage as internal storage will be formatted in the next step. So backup in microSD or USB में. Okay, then you have to swipe to backup. After backup is complete, go on the home screen, click on wipe. Then format data, type yes. Here internal storage will be formatted. This will take few seconds, only 5 to 10 seconds. Our internal storage will be formatted. Here you can see. Now click on back, then click on advanced wipe. You have to Dalvik, you have to click Dalvik system, vendor, data, cache. Here you have to select 5 items. Here you can see, then swipe to wipe. Our old ROM will be deleted successfully. Now there is no OS installed in our ROM, in our device. Now click on install. You can transfer from PC to internal storage also via USB in 3D mode, और you can install via microSD और USB. डाउनलोड लिंक मिलेगी, वो आपको जो Samsung Experience होगी वो आपको पहले वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है, वहाँ पे विंडो PC में, फिर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल पे मैंने 2018 के नाम से 2018-12/31 यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है. इंटरनेट स्टोरेज बस आपको सेंड कर देनी है किसी आपको. और आप दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग रिकवरी है, तो आपको अपने हिसाब से दे सकते हो. आपको आपका रिस्टोर कौन से फोल्डर से होता है, ये आपको रिस्टोर करनी है, इंस्टॉल नहीं करना है, रिस्टोर करनी है. आप दे सकते हो आपके कौन से फोल्डर से रिस्टोर होता है. तो मेरा तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे पेस्ट करनी है मुझे. बस मैं बैटरी की रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सीधा बस यहीं पे पेस्ट करनी है, इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही, कोई फोल्डर के अंदर पेस्ट नहीं करनी. ठीक है, फिर इसके बाद आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है. यहाँ से आप देख सकते 2018 पे आपको क्लिक करना है. यहाँ से बूट वेंडर सिस्टम, अगर आप दूसरा डिवाइस है आपका Redmi 4 के अलावा दो डिवाइस है तो आप वेंडर को सेलेक्ट मत करना. बाकी आप फ्लैश करके देख सकते हो, अगर आपके में बूट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं बूट हो पाया तो आपको वेंडर को अनटिक कर देना है. फिर आपको ये दोनों टिक रखने हैं, जैसे आपको Redmi 3 हो, Redmi Note 4, Redmi Note 5, कुछ भी और डिवाइस है तो आपको वेंडर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. फिर आपको अगर आपका इस वाले वेंडर में बूट नहीं हुआ तो पहले इस वाले में भी टेस्ट कर सकते हो आप. ठीक है, Redmi 4 में कर रहा हूँ तो इसमें आपको तीनों ठीक कर देना है. फिर अच्छा आपको साइड टू रिस्टोर कर देना है. यहाँ से 2 GB के 2.5 GB के आसपास की होगी यहाँ पर ये हमारी फाइल. इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा रिस्टोर होने में, कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे रिस्टोर होने में, तो आपको वेट करते रहना है. फिर यहाँ से जब हमारा रिस्टोर कंप्लीट हो जाएगा फिर मिलता हूँ मैं आपसे. फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या क्या फ्लैश ओवर करना है. फिर आपको सेटअप भी बताना है, आपको स्किप नहीं कर सकते आप सेटअप ऐसे, तो आपका स्किप होने का नहीं. मैं आपको बता दूँगा क्या करना है. आपने रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, 195 सेकेंड्स लग गए हैं यहाँ पे. बस आपको यहाँ पे दूसरा डिवाइस कर रहे हो तो आपको वेंडर सेलेक्ट करना है. बस इसमें आप हैवो का भी ले सकते हो, लीनेज का भी ले सकते हो वेंडर, पिक्सल एक्सपीरियंस का भी वेंडर ले सकते हो दूसरे डिवाइस में. Redmi 4 में आपको यही करना है. बाकी आपको और फिक्स चाहिए और बग्स ना हो, फिक्स हो जाए तो आप दूसरा वेंडर भी ट्राई कर सकते हो Redmi 4 में भी. ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करना है. यहाँ से पहले आपको माउंट करना पड़ेगा, माउंट सिस्टम आपको क्लिक कर देना है. यहाँ पे सिस्टम को माउंट कर देना है, आपकी 4 आइटम्स टिक होनी चाहिए. इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है. ये आप जैसे आपको पैच मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक. ये आपको पैच सारे जो भी फिक्स फाइल होंगी ये पैच तो मिल जाएंगे, नेविगेशन बार फिक्स और वाईफाई फिक्स. ये Redmi 4 के लिए है, बाकी आप अपने डिवाइस के लिए दे सकते हो अपने ग्रुप में. मैं इसका Redmi 4 के लिए आपको ग्रुप में डाल दूँगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा लिंक डाउनलोड का, इसका नेविगेशन बार और वाईफाई का. इसके बाद आपको पैच 1 पे क्लिक करना है. ये सभी डिवाइस में फ्लैश नहीं होंगे, ध्यान रखना, किसी डिवाइस में फ्लैश नहीं होंगे यार. ले पैच ये वेंडर गया ना हमारे, इस वजह से. ठीक है, यहाँ से फ्लैशिंग हो चुकी है पहले वाला. फिर आपको दूसरा वाला सेलेक्ट करना है. यहाँ से सिक्योरिटी पैच, यहाँ से ये भी कम्प्लीट हो चुका है. अब आपको यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करना है, वाईफाई फिक्स पे क्लिक करना है. फिर आप ये भी कम्प्लीट हो चुका है. फिर आपको नेविगेशन बार भी हटाने पड़ेंगे नीचे से. यहाँ से नेविगेशन बार हट जाएंगे यहाँ से. फिर आपको सिंपली रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है. यहाँ से आपका रिबूट होएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा. पहले आपको एम आई का लोगो मिलेगा, फिर आपको सैमसंग का लोगो मिल जाएगा. देखने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा. आप देखते हैं आपको सैमसंग का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए कुछ ऐसा सा. बाकी आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट और 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ेगा. फिर आपका बूट हो जाएगा डिवाइस सक्सेसफुली. फिर मैं आपको बताऊँगा क्या करना है आपको. सेटअप करना मैं आपको बता दूंगा। आगे डीपी भी आपको बड़ी मिलेगी, इसमें आपको छोटी करनी पड़ेगी वहाँ से डेवलपर ऑप्शन में जाके।